दोस्त किसी ने क्या खूब कहा है, दैट वी ऑल आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्संस, लेकिन हम सबके पास वो कैपेबिलिटी है जो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। आपको भी ये लगता होगा कि जितने भी सीए के टॉपर्स हैं, दे ऑल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इंटेलिजेंट पर्संस। बिल्कुल गलत। ICAI के अकॉर्डिंग हर साल लाखों बच्चे सीए के एग्जाम्स देते हैं और आखिरी में कुछ हजार बच्चे ही पास हो पाते हैं, और उन हजारों में से मोस्टली स्टूडेंट्स आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे आर एवरेज। 12th क्लास में बस जिसके 70% आए हों और 19 साल की उम्र में CA ऑल इंडिया रैंक 1। हाँ दोस्त, दिस इज रियलिटी। रिजल्ट आने के बाद जैसे ही ICAI के प्रेसिडेंट का फोन इनके घर पे गया, वैसे ही ये लड़का रातों रात अखबारों में छप गया, एंड ही इज द वन एंड ओनली निश्चल नारायणम। और आज इनकी वो दो टिप्स जिनको इन्होंने फॉलो किया। इस फील्ड में मोस्टली स्टूडेंट्स चीजों को अंडरस्टैंड और मेमोराइज कर रहे हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग इस फील्ड में आके आपको हर चीजों को लॉजिकली देखना है। सो द फर्स्ट टिप इज बी अ लॉजिकल पर्सन। दोस्त याद रखो, डोंट ट्राई टू सी द फ्रूट्स ओनली, ट्राई टू सी द रूट्स एज वेल। अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, लॉजिक खोजो। दोस्त आपको भी ये कंफ्यूजन है, हार्ड स्टडी या स्मार्ट स्टडी, इनको भी कंफ्यूजन थी और इन्होंने ये चीज अपने सर से पूछी और इनकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए गायब होगी। तो इनके सर ने कहा, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बुक उठाई और आप 10 से 15 घंटे पढ़ने के लिए बैठ गए, दिस इज कॉल्ड अ हार्ड स्टडी। और वहीं दूसरे केस में आपने बुक उठाने से पहले चीजों को प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया, सो योर एंड ऑफ द डे विल बी प्रोडक्टिव, दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट स्टडी, एंड दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी। दोस्त इसलिए स्मार्ट स्टडी का इंग्रेडिएंट अपने स्टडी टेक्निक्स में जरूर ऐड करो, और ये चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ और यही कहना टॉपर्स का भी है। अगर ज्यादा डिमांड होगी तो मैं डिटेल वीडियो स्मार्ट स्टडी पे लाऊंगा, कमेंट में बताना। तो इसी के साथ दिस वॉज अनीश साइनिंग ऑफ।